दोपहर। वार्ड 63 से रोशनी शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर यह बड़ा अपडेट, जहां पर एक के बाद एक उम्मीदवारों की सूची लगातार जारी की जा रही है। और उसी सिलसिले में हेरिटेज निगम के वार्ड 63 से बीजेपी ने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है, रोशनी शर्मा। जी हां, वार्ड 63 से रोशनी शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। आरयू की स्टूडेंट लीडर रह चुकी हैं रोशनी शर्मा, और उनके कंधों पर अब इस जिम्मेदारी को दिया गया है, जहां पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ ही वार्ड नंबर 63 का उम्मीदवार भी अब घोषित हो गया है। लगातार उम्मीदवारों के नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष भी निशाना साध रहा था। हालांकि कल उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जरूर जारी की, लेकिन कई ऐसे वार्ड थे जहां पर नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। अब उम्मीदवारों को एक एक कर यहां पर प्रत्याशियों के नामों को घोषणा की जा रही है। वार्ड 63 से रोशनी शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर, जहां पर नगर निगम चुनाव का रण पूरी तरीके से तैयार है। तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं रण में कूच करने को, और उसी सिलसिले में उम्मीदवारों की सूची भी तमाम राजनीतिक पार्टियां जारी करते हुए। बसंत पांडे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। बसंत, वार्ड नंबर 63 से भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कल जिस तरह दोनों ही प्रमुख पार्टियों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी, उसके बाद हंगामा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। हालांकि बीजेपी की ओर से जो 63 नंबर वार्ड है, इसमें प्रत्याशी का नाम होल्ड पे रख दिया था, लेकिन अब जो है बीजेपी की ओर से 63 नंबर पर रोशनी शर्मा को जो है टिकट दिया गया है, जो की एबीवीपी से काफी लंबे समय से जुड़ रही थी, यूनिवर्सिटी में एक छात्रा लीडर भी थी, तो इस पर जो है बीजेपी ने विश्वास जताया। चूंकि रण में हालांकि दोनों प्रमुख पार्टियों की ओर से जिस तरह प्रत्याशी के नामों की घोषणा की गई थी, उसके बाद विरोध साफ तौर पर देखने को मिला था। हालांकि कांग्रेस की ओर से फोन पर अपने प्रत्याशियों को जानकारी दी जा रही है, और उनके नामों की जो लिस्ट थी वो अभी सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से जिस तरह प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जो है सार्वजनिक कर दी गई थी, उसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला था। जो प्रत्याशी लंबे समय से टिकट की दावेदारी की मांग कर रहे थे, उनको टिकट न मिलने पर जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया था। हालांकि कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस की ओर से लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई। माना यह जा रहा है आज 12 बजे के बाद जो कांग्रेस जो है अपने जो प्रत्याशी है उनकी लिस्ट की जो है वो सार्वजनिक कर सकती है। जी बिल्कुल बसंत, कितना दिलचस्प पूरा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी हो रही है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस भी अपने जो प्रत्याशियों को फोन पर जानकारी देने में लगी है, वहीं बगावत के सुर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। जो प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और टिकट ना मिलने के बाद वो निर्दलीय मैदान पर उतर गए हैं। हालांकि अब रोचक मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। हर वार्ड वाइज जो है निर्दलीयों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है, 3 बजे तक नामांकन होगा, तो ऐसे में कह सकते हैं कि नामांकन केंद्रों पर जो प्रत्याशी है उनकी भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, हालांकि तमाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा एक के बाद एक लगातार जारी है। नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं।